बहुत पीछे रह जाएंगे। इंदिरा गांधी के लोगों को बात कर लेंगे, लेकिन हम लोगों को एक माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं ला रहे, तो ये बड़ा जरूरी है हमें लेटेस्ट नॉलेज का हासिल करना जो भी इंटरनेशनली। देखिए आजकल तो इंफॉर्मेशन मीडिया के थ्रू एक मिनट में पहुंच रही है, किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं तो हम किताबें ढूंढा करते थे कि कौन सी लाइब्रेरी से बुक मिल सकती है। तो मैं नहीं सर ये रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी साथी यहाँ के नॉन बार स्टूडेंट बैठे हैं कि अपने एक एक सब्जेक्ट में महारत हासिल करें, तब हम तरक्की कर सकेंगे, अदरवाइज हम कहीं यहीं पर यहीं रहते हैं। अक्सर में ये नदीम अरशद साहब माशाल्लाह से हमारे ओलंपियन है, उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में बड़ा अच्छा रिकॉर्ड किया, पहली दफा बगैर वाइट कार्ड के हमने पार्टिसिपेट किया। कभी भी फेडरेशन ने कभी भी किसी एनालिस्ट से कभी नहीं एनालाइज करवाया कि इसकी क्या पोजीशन है, ये क्या करेगा। पंजाब यूनिवर्सिटी में हमने एक प्रोजेक्ट सबमिट करवाया जिसमें सिर्फ 2 लाख रुपया दिया गया कि इसके ऊपर रिसर्च कर लो। हमने एक और पाकिस्तान फीमेल स्पोर्ट्स बहुत पीछे है, उसके लिए हमने 1 करोड़ का प्रोजेक्ट एनएचसी को जमा करवाया स्पोर्ट्स एप्रन के लिए। हमारी फीमेल को कोई कंसेप्ट ही नहीं था स्पोर्ट्स एप्रन का, तो उसके लिए हमें 1 करोड़ रुपया मिला, जिसमें नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, इंटर रूप खेल वाले, पंजाब यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस ने मिल के प्रोजेक्ट को इस वक्त कंप्लीट कर रहे हैं। और इसी साल मुझे उसके प्रोटोटाइप को चेक करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी ने सिर्फ 2 लाख रुपया रिलीज किया। पिछले साल ये 2 लाख की रिसर्च पे लिया था हमने। मैंने इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी के साथ मिल के वक्त से पहले हमने तो प्रेडिक्शन कर दी थी कि ये जोड़ा है ये पूरे फुल अपनी सटन से नहीं फेंक सकता, वो उनकी जिन फेडरेशन ने उन सारे लोगों ने छुपाए रखी और बाद में इन्हें कोई अंदाजा नहीं था। और उस वक्त भी हमारी प्रेडिक्शन थी कि 90+ में फेंक देगा, अलहमदुल्ला उसने फेंक दिया। हमारे अपने ग्रुप में ये डिस्कशन चल रही थी लेकिन इनको नहीं अंदाजा था कि ये इतना फेंक जाएगा। तो रिसर्च में हम उसकी पिछले जो डाटा होता है उसके मुताबिक प्रेडिक्शन करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के थ्रू। मैंने रिसेंटली एक पेपर प्रेजेंट किया था लाहौर यूनिवर्सिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ऊपर ही। मेरा बेटा जो है इंजीनियर है और वो जिसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है, मैं उसके साथ स्पोर्ट्स उसको क्रिकेट का शौक है हालांकि, लेकिन मैंने उसके सारे इनम को जैवलिन थ्रो के ऊपर इम्प्लीमेंट किया था कि ताकि हम इसकी प्रेडिक्शन करके देखें कि ये हमें डाटा प्रेडिक्ट करके क्या बताता है। और उसने हमें प्रेडिक्शन ऑलरेडी दे दी थी कि ये 90+ बैठ जाएगा इन शाह। अपनी प्रैक्टिस में भी 90+ नहीं फेंका था, तो वो डाटा कह रहा था कि ये फेंकेगा तो वो फेंक गया। हमने नहीं डिस्क्लोज किया था किसी को, हमें इजाजत नहीं दी, प्रोडक्शन इजाजत नहीं देती थी। तो इस तरह के काम आपको सीखने नहायत जरूरी है। थैंक यू, इससे ज्यादा नहीं मैं बात करूंगा। ये आपके हल आ रहा है तो लेटेस्ट चीजों के साथ आप, मैंने सिर्फ शेयर किए कुछ चीजें। तो हेलो हेलो।